कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील के नेतृत्व में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर बैरागी मोहल्ला में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के पूर्व प्रतिमा को पानी से धोकर साफ सफाई की गई। सुमन शील ने इस मौके पर बैरागी मोहल्ले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर नामकरण करने की मांग की और अंधेरे से ग्रसित प्रतिमा स्थल क्षेत्र में पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग को रखा। साल 1931 आज ही के दिन 23 मार्च को हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दिया गया था। आज ही ऐसे क्रांतिकारियों के कारण जो आज़ादी आज हम लोगों को मिला है, इनका सबसे अहम भूमिका के रूप में रहा। आज शहीद दिवस है, मैं चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में 23 मार्च को इनके शहीद दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में अवकाश का घोषित किया जाए, यह मेरे केंद्र सरकार से मांग है एवं राज्य सरकार से। तथा आज के दिन जो कि शहीद दिवस था, परंतु यहाँ जो कार्यक्रम हमारे द्वारा जो आयोजन जो किया गया है वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर बैरागी मोहल्ले के सामने भिलाई नगर निगम के द्वारा शहीद भगत सिंह की जी की मूर्ति की स्थापित किया गया था, परंतु आज सुबह से इस मूर्ति की जो जर्जरता हालत था, नगर निगम के द्वारा ना ही कोई इसका ध्यान दिया गया और ना ही यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा, कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों के द्वारा सर्वप्रथम इस प्रतिमा को धोकर उसे रंग रूप करके पुनः एक रंग रूप देते हुए इसका रूप दिया गया। और मैं चाहूँगा कि केवल चुनाव के समय और जन्मदिवस और शहीद दिवस के अवसर पर ही ऐसे हमारे वीर शहीदों को याद ना करके हर महीने इनके प्रतिमा पर ध्यान दिया जाए। और आज भी इस कार्यक्रम में जो भी हमारे सहयोगी ने सहयोग दिया है, मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम।